कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर रिवर ट्रेनिंग की नीति के तहत यह खनन पट्टा आवंटित किया गया है, जिसमें नदी में भारी मात्रा में आरबीएम होना जरूरी है जो कि नदी के बहाव को प्रभावित कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लगता है कि यह खनन पट्टा आवंटित करने में बहुत बड़ी तकनीकी चूक हुई है या यहाँ के स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से यह गलत पट्टा आवंटित किया गया है। ऐसी स्थितियों में खनन पट्टाधारी काफी गहराई तक खुदाई करके आसपास के इलाकों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि भारी बारिश होने पर आसपास की बस्तियों में भूस्खलन हो सकता है और आसपास के मकान ढह सकते हैं, जिससे आसपास की बस्तियों के बासिंदों में काफी खौफ भी पैदा हो चुका है। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर अवैध खनन जोरों पर है। यहाँ पर टिहरी जनपद में खनन का पट्टा लेकर खनन पट्टाधारी पौड़ी जनपद की सीमा में दाखिल हो गए हैं। 5-5 पोकलैंड मशीनें लेकर यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। सुबह से ही इस इलाके में 50 से 100 डंपर लोड होते हैं, जिनमें अवैध खनन सामग्री भरी जाती है और आसपास के क्रेशरों में इसकी सप्लाई की जाती है। जागो उत्तराखंड द्वारा यह मामला उठाया गया है और इसकी जानकारी पौड़ी और टिहरी जनपद के जिलाधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। इसके बाद दोनों जनपद के प्रशासन हरकत में हैं और खनन पट्टाधारी की गाड़ियों को सीज भी किया गया है। जागो उत्तराखंड ने जब श्रीनगर के विधायक और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से संपर्क किया, तो उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई की बात कही है। इतने हैं कि पट्टा ये नहीं पता लग पा रहा कि संख्या वर्ग भी हिसाब किताब नहीं लग पा रहा, जो वहाँ पर रवाना भी करते होंगे उनका भी पता नहीं हिसाब किताब है कि नहीं। देखिए वो पौड़ी जनपद का नहीं है, वो टिहरी जनपद में हुआ है और मुझे कल मेरे संज्ञान में आया है और आज मैं इस पर एक बैठक करूँगा और अगर कहीं भी थोड़ा दिक्कत पाई जाएगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है धन सिंह रावत जैसे कद्दावर मंत्री के दखल के बाद जल्द ही इस इलाके में अवैध खनन पर रोक लगेगी। जागो उत्तराखंड के लिए श्रीनगर से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।